अरे कंचन, रुखसार अभी तक नहीं आई। भैया, रुखसार राखी का दिन कभी नहीं भूल सकती, आती ही होगी। लो, नाम लिया और आ गई। आदाब भाईजान। जीती रहो रुखसार। रुखसार, भैया जब तक तुझसे राखी ना बंधवा ले, मुझसे राखी नहीं बंधवाते। मेरे भाईजान जो हैं? तेरे भाईजान हैं। मेरे भैया नहीं है क्या? देखिए भाईजान, जल गई। सबसे पहले चंद्र भाईजान को टीका लगाऊंगी, इन्हें मिठाई खाने का बहुत शौक है ना। हमारी सारी सहेलियां सुरमई पहाड़ी पर जाने के लिए हमारा इंतजार कर रही हैं। हम लोग जाएं भाईजान? हाँ हाँ, जरूर जाओ। अच्छा, खुदा हाफिज भाईजान। खुदा हाफिज। जुम्मन, रहीम, शहजाद, अस्तबल में हमारा सुल्तान नहीं है। कहाँ गया हमारा सुल्तान? आप लोग जवाब क्यों नहीं देते? अरे ओ खाक के पुतलो, क्यों हमारे बेटे का हलक चलवा रहे हो? बोलो सुल्तान कहाँ है? भाईजान, सुल्तान को सलमान ले गया है। जुबेर, सुल्तान हमारे और आशु के सिवा किसी और को अपने पीठ पर बैठने नहीं देता है। ये जानते हुए तुमने सलमान को मौत के मुंह में ढकेल दिया। भाईजान, सलमान आपका खून है, मौत इतनी आसानी से उस पर हावी नहीं हो सकती। मगर अबू जान, सलमान भाईजान शहर से आए कब? आज ही सुबह बेटे। तो चलिए चाचा जान, जरा देखिए तो क्या हल कर रहा है सुल्तान हमारे भाईजान का। अरे सुल्तान, निकाल दी ना जान, लेकिन तू जानता नहीं मेरा नाम है सलमान। आदाब। हाँ।
सुल्तान, मैं आऊं, मैं आऊं सुल्तान। अरे 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 क्या कर रही है? अरे काम, अरे अरे पेट का, अरे सुल्तान पेट पर नहीं, पीठ पर, सुल्तान पीठ पर। सुल्तान, अगर तू पठान का घोड़ा है तो मैं भी पठान का बेटा हूँ। मैं आया, मैं फिर से आया। मैं बोला था ना मैं आऊंगा, मैं आ गया। अब चले देना। बदतमीज, ये खूबसूरत खिताब किसने दिया हमें? ए मिस्टर, ये आशिकी के चोंचले कहीं और जाके आजमाना, चांद से चेहरे पर दाग लगा दिया। चांद? कौन सा चांद है ये? पूनम का चांद है, चौधरी का चांद है, या फिर ईद का चांद है? एक और भी चांद होता है। वो कौन सा? जब सर पर जूतियां पड़ती हैं तो एक और चांद निकल आता है। गधे पर बैठना नहीं आता, घोड़े पर बैठ गया। Come on girls, let's go. और इतनी जल्दी? अभी तो अच्छी तरह से हाय हेलो भी नहीं हुआ, बाय बाय कह रही है। अरे सुनिए, जरा अपना चांद सा चेहरा तो साफ करती जाइए। चेहरा साफ करने से पहले जी चाहता तेरी तबीयत साफ कर दूं। अपनी तबीयत का तो ड्राई क्लीन हो चुका है, अब आप जरा अपने गालों को क्लीन कर लें। बदतमीज, जब आपने बदतमीज का खिताब दे ही दिया तो हम बदतमीजी कर ही डालते। ये तुम्हारी ये मजाल? मजाल नहीं हुजूर, रुमाल, चेहरा साफ, हिसाब साफ। बेशरम, चलो यहाँ से। बाय बाय, खुदा हाफिज। अबूजान, अबूजान, भाईजान ने सुल्तान पर काबू पा लिया। अब्दुल। जी हुजूर। हमारे शेर बेटे ने सुल्तान पर काबू पा लिया है, इस खुशी में गांव के तमाम गरीबों में खैर खैरात बांट दो। जी हुजूर। लेकिन अब्बू, ये इतनी खुशी की बात तो है नहीं। तुम नहीं जानते हो सलमान, सुल्तान की सवारी करना एक आदमखोर शेर की सवारी करने के बराबर है। सुल्तान ऐसा घोड़ा है जब किसी से प्यार करता है तो माँ की ममता से बढ़कर करता है, और जब किसी से नफरत करता है तो एक आदमखोर शेर से भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। अबू जान। हाँ बेटे। लगता है सुल्तान ने हमारे भाईजान को बहुत सताया है, देखिए कैसा पसीना निकल रहा है। ये क्या है? चचा जान, ये मोती है। मोती? किसी की नाक का मोती। नाक का मोती? सलमान, तुम सुल्तान की सवारी करने गए थे या कीचड़ से कमल निकालने गए थे? चाचू वो जवाब दो बेटे। अबू, वो सुल्तान का पांव कीचड़ में जा पड़ा तो उसके छींटे एक लड़की के मुंह पे जा गिरे, तो हमने उनको हमारा रुमाल दिया अपना चेहरा पोंछने के लिए, तो शायद ये उन्हीं का मोती हो। हा? देखो बेटे, तलवारों से खेलने वाले मोतियों से खेलने लगे तो उनकी ताकतों को जंग लग जाता है। इसे अदब से ले जाओ और जिसकी अमानत है उसे इज्जत से वापस लौटाओ। भाईजान, मैंने कहा सिर्फ मोती देके आना, दिल नहीं। चाचू, बात क्या है? आशु आज कुछ ज्यादा ही चहक रहा है, पटक दूं? पटक दो। हा हा, बल्ले बल्ले बल्ले, भाई वाह, खुशबू तो अच्छी है, जायका भी अच्छा है कि नहीं? जरा फतेह खान साहब आ रहे हैं। फतेह खान साहब आ रहे हैं। ओए वालेकुम फतेह खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह करो दरोगा साईं, बिस्मिल्लाह करो, ये आप ही के लिए है। जी शुक्रिया,
अब पहले के दरोगा साहब ने कहा था कि फतेह खान साहब की खिदमत में सलाम अर्ज करने जरूर जाना, इसीलिए सलाम अर्ज करने हाजिर हुआ हूँ सरकार। मेहरबानी है आपकी, शफकत है। वो अभी अभी कमिश्नर साई हमसे मिलने आए थे, बाहर जीपे जाती नहीं देखी आपने? जीपे? हाँ 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 देखी हुजूर, जीपे जाती हुई देखी। मेरे लिए क्या हुक्म है? पता नहीं, कुछ लोग जी न जाने किस मोहल्ले के लोग हैं जी, जो हमारी जमीनों पर पानी को पहुंचने से रोक रहे हैं। अच्छा, जितना पानी हमारे खेतों के लिए चाहिए उतना हमें नहीं मिल पा रहा। हुजूर, पानी की अपनी तो कोई मर्जी होती नहीं है, आप जिस तरफ चाहेंगे पानी का रुख उस तरफ मोड़ दूंगा हुजूर। साईं खाओ ना। जी इजाजत। जी हुजूर, टेलीफोन बजी है। हाँ, फतेह खान बोल रहा हूं। क्या कहा, झगड़ा हो गया? 5-6 जाया हो गए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाबा जानी। आओ बेटा साईं, आओ बाबा जानी। दरोगा साईं जी हुजूर, ये हमारी बेटी है रुखसार, बहुत लाडली बेटी, बस ये समझ लो कि हमारी जान है छोटी सी। सुना दरोगा चाचा कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं? भले भले, लेकिन बाबा जानी आपने हमारी बाकी की खूबियों तो बताई नहीं। क्या मतलब बेटा साईं? मतलब ये कि अगर हम घर में ना आए तो घर उदास हो जाता है, अगर हमें 101 बुखार हो तो आपको 102 हो जाता है। बेशक, जिसको हम घर से बाहर निकाल दे वो अंदर नहीं आ सकता, जिसे हम अंदर ले आए वो बाहर नहीं जा सकता। क्यों? सच कहा बेटा साईं, सच कहा। आप तो हमारा खिलौना हो छोटा सा। अब तो आप समझ गए ना दरोगा चाचा कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं? बल्ले बल्ले। अच्छी तरह समझ गए ना दरोगा चाचा? बल्ले बल्ले। तो फिर मुझे नीचे कीजिए ना दरोगा चाचा। बल्ले बल्ले। ऐसे। ये जो हमारे जिगर का टुकड़ा है ना साईं जी, ये आउट ऑफ लॉ है। ना हमने कभी इसकी बात का बुरा माना, ना कभी तुम मानना। बल्ले बल्ले। बेटा साईं, जरा इधर तो आओ। जी बाबा जानी, लो आ गए। बेटा साईं, आज आप पूरे वापस नहीं आए। हाँ? क्या मतलब बाबा जानी? मतलब ये कि आपके नाक का मोती कहाँ है? मोती कहीं गिर गया होगा। अच्छा, कोई बात नहीं, आप जाओ। जी बाबा जानी। शौकत बेटे, आप ऐसा करो कि अपने भी दो जाया कर दो और बाकियों को थाने भेज दो। हाँ हाँ, एसपी साहब से मैं बात कर लूंगा। साईं मरे क्यों जाते हो? बच्चे हैं ना, जल्दी घबरा जाते हैं। जी जी, तशरीफ रखो ना साईं। हुजूर, सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही खैरियत है साईं। शुक्र है। वो हमारी जमीन पर झगड़ा हो गया है, है? कुछ लोग हमारे लोगों से भिड़ गए। वो मेरा बड़ा बेटा है ना शौकत, जी जी, उसी का टेलीफोन था। अच्छा, कह रहा था 5-6 जाया हो गए हैं, बाकी मामला काबू में है। हुजूर, ये 5-6 क्या जाया हो गए हैं? आदमी साईं, आदमी। आदमी? आदमी मर गए हैं 5-6? आप क्यों घबरा रहे हैं साईं? जी जी जी, जहां कत्ल हुआ है वो आपका इलाका नहीं है। गुलाम खान। जी हुजूर। हमारी बेटी के नाक का मोती गुम हो गया है। जिन जिन रास्तों से वो गुजरी है उसके पैरों के निशान जहां जहां नजर आए वहां की सारी मट्टी छान डालो और हमारी बेटी के नाक का मोती ढूंढ लाओ। जाओ। ये हुजूर, ये जो मोती वाला केस है ना, आप मेरे सुपुर्द कर दें। इस इलाके के जितने गुंडे बदमाश है ना, उनको अंदर करके इतनी पिटाई करूंगा उनकी कि अगर उन्होंने वो मोती नहीं भी लिया होगा ना तो मेरी खिदमत में चंदा करके पेश कर देंगे, तो फिर मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। ना साईं ना, ऐसे मोती तो हम हजारों खरीद सकते हैं मगर वो मोती हमारी बेटी के नाक का मोती है। माफ कीजिएगा, मैं इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
कुत्ता है। ये हमारा छोटा बेटा अफजल है, कुत्ते से बहुत प्यार करता है साईं। आदाब 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 दारोगा साहब। आदाब, ये जो मेरा कुत्ता है ना, बहुत वफादार है। ये पुलिस की वर्दी देखकर भौंकने लगता है। आदाब, अच्छा कुत्ता, बहुत अच्छा कुत्ता है। काला रंग है ना, नजर नहीं लगेगी। बईवा बईवा, संभाल के रखे आप। जी बाबा जानी। थोड़ी देर पहले हमारी जमीनों पर झगड़ा हो गया था, हमने अपने आदमी थाने पहुंचा दिए। थानेदार से कहो कि उन्हें हमारी जमानत पर छोड़ दे। छोड़ेगा कैसे नहीं बाबा जानी, अगर नहीं मानेगा तो जबरदस्ती उठा कर ले आएंगे। चल काले चल। भाईजान, मैंने कहा सिर्फ मोती देके आना, दिल नहीं। जानम। हाँ सनम। आ गई जानम। हाँ सनम, आपने पुकारा, हम चले आए। जानम, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, जी चाहता है तुम्हें चूम ले। अच्छा सनम। हाँ। आदाब जानम। आदाब सनम। आदाब। कहाँ थे अब तक आप? तुम? जी? तुम फिर आ गए? जी। आखिर तुम हो कौन? इश्क मोहब्बत और लव के मिक्सचर से बना आपका दीवाना। बदतमीज, न जाने किस मिट्टी का बना है। मोहब्बत की मिट्टी का जानम। अच्छा जी, जिस मिट्टी से रोमियो बना, मजनू बना, और तुम्हारे लिए मैं। मुझे तो ये पागल लगता है। हर आशिक प्यार में पागल हो जाता है, जैसे मैं पागल इनके प्यार में। जानता है किससे उलझ रहा है? इश्क हुस्न से उलझ रहा है, और हम तो इनके प्यार में जलेबी की तरह उलझ रहे हैं। दुनिया हमें कहती है सलमान खान, हम आपको किस नाम से पुकारे मेरी जान। आइए हम अपना नाम बताते हैं। आइए ना। जी जी, लीजिए आ गए। ये लो जी आ गया। नाम बताऊं? आइए। अरे अरे ये क्या, अरे धक्का मार दिया। अरे अल्लाह मियां, इस हरण दुपट्टे वाले ने धक्का मार दिया। अरे अल्लाह मियां, और अल्लाह मियां बचाओ। अल्लाह मियां, इन औरतों को कभी इतनी ताकत मत देना। अल्लाह मियां, नाम तो पता ही नहीं, ताकत दिखा दिया। अल्लाह मियां, और अल्लाह मियां, मैं आ रहा हूं, बहुत कम नोटिस में आ रहा हूं। अल्लाह मियां, बहुत कम नोटिस में आ रहा हूं, लेकिन मैं आ रहा हूं। अल्लाह मियां, अल्लाह मियां, इनको फांसी दे देना। अल्लाह मियां, इतनी बिजी कंडीशन में आ रहा हूं। अल्लाह मियां, ये देखो मैं आया आया। अरे कहीं वो सचमुच ही तो नहीं मर गया? अगर सचमुच मर गया तो तुझे फांसी हो जाएगी। हाय अल्लाह, कंचन जरा तुम जाके देखो तो। हाँ कम ऑन गर्ल। हाँ चलो। बहू। हेलो। अरे ये तो भी जिंदा है। जी हाँ, लेकिन मेरी जिंदगी और मौत में सिर्फ एक मिनट का फर्क है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं ये गोली फेंक दूंगा, वरना मैं ये जहर खा लूंगा। तुम चाहते क्या हो? आपकी सहेली का दिल। दिल? जी हाँ दिल। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं ये जहर खा लूंगा और आपकी सहेली को फांसी हो जाएगी। अगर इसने जहर खा लिया और उसे फांसी हो गई, इससे तो अच्छा है इसको चांस दे देते हैं उसको पटाने के लिए। हाँ प्लीज। ठीक है, थैंक यू। कंचन क्या हुआ? इसकी सांस नहीं चल रही, इसकी नाड़ी भी नहीं चल रही। हाय अल्लाह, दिल की धड़कन भी बंद हो गई। हाँ, इसका सब कुछ डैमेज हो गया, लगता है मर गया। या खुदा, वो आ रही है क्या? हाँ। क्या ये सचमुच मर गया कंचन? हाँ। वो तो आपको देखते ही मर गया था। छोड़ो मेरा बच्चा। अरे ओ हरे दुपट्टे वाली जानम,
रुक जा। ओ लाले दी जान गुले गुलजार रुक जा। ओ हरे दुपट्टे वाली सीधी सादी भोले भाली जानम रुक जाना। ओ हरे दुपट्टे वाली सीधी सादी भोले भाली जानम रुक जाना। तू सलमा है या सुल्ताना, तू सलमा है या सुल्ताना, नाम तो अपना बतलाना। ओ जानम रुक जाना, जानम रुक जाना, रुक जाना, जानम रुक जाना। ओ हरे दुपट्टे वाली सीधी सादी भोले भाली जानम रुक जाना। तू सलमा है या सुल्ताना, तू सलमा है या सुल्ताना, नाम तो अपना बतलाना। ओ जानम रुक जाना, जानम रुक जाना, रुक जाना, जानम रुक जाना। ओ हरे दुपट्टे वाली सीधी सादी भोले भाली जानम रुक जाना। के कमल मोरनी जैसी तेरी जाल है हिरनी जैसी, लचके कमल मोरनी जैसी, तेरी जुल्फे तेरी जुल्फे घटा सावन की सूरत शर्मीली दुल्हन की, तेरी जुल्फे घटा सावन की सूरत शर्मीली दुल्हन की। झील सी आंखों वाली हाय फूल से गालों वाली जानम रुक जाना, जानम रुक जाना, रुक जाना, जानम रुक जाना। तू सलमा है या सुल्ताना, तू सलमा है या सुल्ताना, नाम तो अपना बतलाना। ओ जानम रुक जाना, जानम रुक जाना, रुक जाना, जानम रुक जाना। ओ हरे दुपट्टे वाली सीधी सादी भोले भाली जानम रुक जाना। तेरी लौंग का मोती ले जा, बदले में तेरा दिल दे जा। तेरी लौंग का मोती ले जा, बदले में तेरा दिल दे जा। दुपट्टा दुपट्टा फिर से तू लहरा दे, आशिक का दिल बहला दे। दुपट्टा शरबती होठों वाली बेदाग जवानी वाली जानम रुक जाना, जानम रुक जाना, रुक जाना, जानम रुक जाना। तू सलमा है या सुल्ताना, तू सलमा है या सुल्ताना, नाम तो अपना बतलाना। हो जानम रुक जाना, जानम रुक जाना, रुक जाना, जानम रुक जाना। ओ हरे दुपट्टे वाली सीधी सादी भोले वाली जानम रुक जाना।
आई। कहाँ तशरीफ ले गई थी आप? हम घूमने गए थे नहर के पास। बेटा तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि नहर की तरफ अकेले मत जाया करो, वहाँ से हमारे दुश्मनों की हदें शुरू होती हैं। बाबा जानी हम अकेले कहाँ गए थे, हमारे साथ कंचन और बहुत सारी सहेलियाँ गई थी। बेटा साईं, बेटी जब जवान हो जाए तो उसे बड़ों से पूछे बिना घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए, वरना उनका मुस्तकबिल भटक जाता है, पैर ऐसे दलदल में उलझ जाते हैं कि जो बाहर भी निकल आओ तो कीचड़ के निशान घर तक पहुंच जाते हैं। बेटा फतेह। दादी अम्मी। बेटा फतेह, रुखसार हमसे इजाजत लेके गई थी। बाबा जानी आप बोलिए, क्या हम बगैर इजाजत के गए थे? बोलिए बोलिए। बाबा जानी अब तो आपको कोई शिकायत नहीं है? नहीं बेटा साईं नहीं, अब आप बरी हो गए, जा सकते हो। सोच लीजिए बाबा जानी, कहीं आप फिर से छानबीन तो नहीं शुरू कर देंगे? नहीं बेटा नहीं, अम्मा साई तो इस हवेली की सबसे बड़ी अदालत है, इनके फैसले के खिलाफ तो हम अपील भी नहीं कर सकते। अम्मा साई का हुक्म हमारे लिए खुदा के हुक्म के बराबर है, खुदा के हुक्म के बराबर है। आधा बरस है शेर खान साहब, आधा बरस है। आइए आइए दरोगा साहब, हमारे बेटे सलमान से मिलिए। जीते रहो बेटा, मुझसे भी बड़े आदमी बनो। भाई दरोगा, हमने सुना है कि आजकल नदी के उस पार वालों पर तुम्हारी मेहरबानियां कुछ ज्यादा ही है। हुजूर मैं क्या, ते मेरी मेहरबानियां क्या, मैं तो थाली का बैंगन हूँ, कभी लुढ़क कर इस तरफ तो कभी लुढ़क कर उस तरफ। सलाम दरोगा चाचा। वालेकुम अस्सलाम आशुमिया। दरोगा चाचा, आपके मुझे नीचे क्यों है, आपकी मुझे तो ऊपर होनी चाहिए, माउंट एवरेस्ट की तरह। माउंट एवरेस्ट? ऐसे कोई मुझ नीची कर देता है तो कोई मुझ ऊपर कर देता है, उनका भी शुक्रिया ते आपका भी शुक्रिया। माउंट एवरेस्ट है। दरोगा हम चाहते हैं कि सुरमई पहाड़ी वाली नहर से सारा का सारा पानी काट कर हमारे खेतों में आ जाए। हुजूर जिस तरह मेरी मूछों की कोई मर्जी नहीं है, उसी तरह पानी की भी कोई मर्जी नहीं है, आप जिस तरफ चाहेंगे पानी का रुख उसी तरफ मोड़ दूंगा। हुजूर हुजूर यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपको सलाम अर्ज करता चलूं, लाजिम है ना, ते अब खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा याद, खुदा हाफिज। हुजूर। आदाब भाई जान। आदाब, कौन है आप? मैं हूँ रुखसार की सहेली, मेरा नाम है अनारकली। अच्छा अच्छा, रुखसार। जी भाईजान। तुम्हारी सहेली आई है तुमसे मिलने। हाँ रुखसार, बड़े नेक घर की लगती है। जी कौन है तुम? मैं हूँ अनारकली। तुम? हाँ हम। मगर तुम यहाँ? यहाँ नहीं, तुम्हारे कमरे में चलते हैं। मेरे कमरे में चलते हैं? हाँ हाँ, ले जाओ अपने कमरे में, कुछ नाश्ता वास्ता करवाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, इतने अच्छे हैं तुम्हारे भाईजान। चलो हाँ चलो चलो, ये लो। ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी, ये हिम्मत कि तुम यहाँ पे पहुँच गए? मुझे यहीं पहुँचना चाहिए था, सो मैं पहुँच गया। हम कहते हैं चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, कहीं किसी की नजर तुम पे पड़ गई तो कयामत आ जाएगी। हाय कयामत तो आ चुकी है, मेरे सामने सर उठाए खड़ी है, और हम इस कयामत पर दिलो जान से मरने को तैयार हैं। इन दीवारों के कान बहुत तेज हैं। अच्छा, इनके पीछे रहने वाला हर इंसान कातिल है। ओ रियली? अजी लेकिन यहाँ आपसे बड़ा कातिल और कौन हो सकता है, और वैसे भी हम यहाँ कत्ल होने ही तो आए हैं। आखिर तुम चाहते क्या हो? एक छोटा सा बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दिल ले लो, दिल दे दो। खुदा के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। ओफो, चला जाऊंगा मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त? यही कि कल तुम मुझसे मिलने का वादा करो। बोलो आओगी? यस। शुक्रिया जानम, ये लीजिए आपकी अमानत, और हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया। रुखसार, 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 लगता है आपकी सहेली आ रही है। हाय अल्लाह मैं क्या करूं। रुखसार,
अरे ये कौन है और हमसे कैसे पर्दा? कहो तो दिखा देती हूँ अपना नूरानी चेहरा। ओह तुम मेरे होने वाले जीजा जी। हाँ जी कंचन जी, जीजा जी, आदाब जी। कंचन अल्लाह के लिए तूने बाहर छोड़ा, अगर भाईजान ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। अरे घबराती क्यों है, आइए जीजा जी। चलिए जी। ओ खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओ और ये गई आपकी रानी। भाईजान घोड़ा ढाई घर चल के शह दीजिए, मात हो जाएगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाह ये तो मात हो गई। अरे अनारकली तुम तो कमाल हो, रोज आया करना। जरूर आऊंगी। दीदार हो गया बिना ईद के ही चांद का दीदार हो गया, दीदार हो गया, तुमसे प्यार हो गया, मुझे अल्लाह अल्लाह, तुमसे प्यार अल्लाह मुझे, बिना ईद के उल्फत की शुरू हो गई एक नई कहानी, एक नई कहानी, देखो हुस्न से इश्क पर निसार हो गया, देखो हुस्न से इश्क पर निसार हो गया, निसार हो गया, तुमसे प्यार हो गया। चांद का दीदार हो गया बिना ईद के ही चांद का दीदार हो गया। मुझे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया।
गुलाम खान, मिल गया मोती? अब तक नहीं मिला हुजूर। क्यों नहीं मिला? हम कब्रों से इंसान ढूंढ कर निकाल लेते हैं और तुम एक मोती नहीं ढूंढ सके, इसीलिए तलाश जारी है हुजूर। बाबा जानी देखिए वो मोती हमें मिल गया। कहाँ से मिला बेटा साईं? हमारे बिस्तर में। शुक्र है परवरदिगार का, आप इसे संभाल कर रखना। जी अच्छा। जाओ। नदी के आसपास वाले हमारे जितने भी खेत हैं, उन सब में नदी का पानी पहुंचा दो। जुबैर भाई, अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई। वालेकुम अस्सलाम। जुबैर भाई, मैं एक बेसहारा बेवा हूँ, अपने मरहूम शोहर की थोड़ी सी जमीन पर अनाज उगाकर अपना गुजर बसर करती हूँ, मगर कुछ गुंडों ने मुझसे मेरी वो जमीन और मेरा घर छीन लिया है और वहाँ पर शराब की भट्टी लगा दी। चंगी खान, शेर खान का भाई जुबैर खान आ रहा है और साथ में इस घर वाली बेबा और उसका लड़का भी है। अबे ओ, इस गरीब बेवा का घर छीन कर ये दारू की भट्टी लगाने की जरूरत कैसे की तुम लोगों ने, और वो भी हमारे इलाके में? बहुत चीख रहा है, जबान खींच लो इसकी और मार मार कर कीमा बना दो। लगता है तेरी मौत जंगी खां के हाथों लिखी है। मुझ पर और मेरे आदमियों पर हाथ उठाकर और ये दारू की भट्टी तोड़कर तुमने जंगी खान से ही नहीं बल्कि अफजल खान से दुश्मनी मोल ली है। बहुत देखे हैं तेरे और अफजल खान जैसे, जा और जाकर उसे कह दे कि आइंदा हमारे इलाके में वो या उसका कोई भी आदमी नजर आया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब भाग जा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। शाबाश बेटे, शाबाश। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओए, ओए टाइगर, आ जाओ, इधर आओ। सलाम छोटे मालिक। चंगे, तुम्हारे मुंह पर ये खून कैसा? हुजूर, जुबैर खान 20-25 आदमियों को लेकर आया, उसने हमारी शराब की भट्टी तोड़कर हमारे आदमियों की हड्डियां तोड़ डाली। जंगे, तुम्हारे आदमी ने हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी या मेहंदी लगा ली थी? हुजूर, मैंने उसे बहुत समझाया कि ये भट्टी अफजल खान साहब के कर्म से है, मगर वो मगर क्या जंगे? मगर हुजूर, उसने गालियां देनी शुरू कर दी। किसको गाली दी उसने? हुजूर आपको। उसने हमें गाली दी और तुमने सुन लिया जंगी? इतना ही नहीं हुजूर, उसने तो बड़े मालिक फतेह खान साहब को भी गंदी गंदी गालियां दी। जंगी! उसने मुझे गाली दी और तूने सुन ली। उसने हमारे बाबा जानी को भी गाली दी और तूने सुन ली। बड़ी वफादारी का सबूत दिया तूने जंगे। वफादारी क्या होती है, अब तुझे मेरा टाइगर बताएगा। टाइगर! शाबाश टाइगर, शाबाश, खत्म कर दे इसे। Hey!
क्या हुआ अफजल? भाईजान, जुबैर खान ने मुझे और बाबा जानी को गाली दी और ये नमक हराम सुनकर चला आया, और अब मैं जुबैर खान का जबड़ा तोड़ दूंगा। अपने बड़े भाई के होते हुए तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कल जुबैर खान की गर्दन तोड़ के उसके हाथ में दे दूंगा। अरे छोड़ो यार तुम्हारी फुनफुन, और बताओ तुम्हारे घर में टाइम क्यों है? अरे बताओ हा? ये लो, बच गए ना चार, और वो अभी तक नहीं आई। कर गई ना बेवफाई। क्या कहा? वो बेवफा नहीं है हा? नहीं है? अच्छा फिर अब तक वो आई क्यों नहीं हा? अब तक आई क्यों नहीं बोलो। अरे सुल्तान भी अब आ गई। अरे वो आ गई सुल्तान भी, वो आ गई। अरे सुल्तान भैया वहां तो गई लेकिन छुप क्यों गई? अरे सुल्तान भैया चाहिए और पूछ के तो आइए कि वो चाहती क्या है। चलिए पहले उनसे जाके कहिए अपना दिल दे, फिर हम उनके सामने आएंगे। जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या कहा क्या कहा क्या कहा? क्या दिल चाहिए? हमारा दिल? जी हाँ चाहिए। अरे सुल्तान मियां एक बार बेइरादा नजर क्या मिल गई, वो हमसे हमारा दिल मांग बैठे हैं? जी हाँ मांग बैठे। सुल्तान मियां जाओ कह दो सामने आना है तो आओ, हम दिल विल नहीं देंगे। हाँ ओहो बड़े आए, दिल नहीं देंगे हाँ? सुल्तान मियां आप तो जानते हो दिल कितनी नाजुक चीज है, कहीं तोड़ फोड़ दिया तो। ओहो दिल तोड़ फोड़ दिया तो? और सुल्तान मियां तुम तो जानते हो भाई कि अभी इनकी उम्र ही क्या है। अच्छा तो अभी हमारी उम्र ही क्या है? जाओ कह दो कि हम दिल विल नहीं देंगे। जाओ। अरे जाओ भाई, नहीं जाओगे कोई बात नहीं, हम जाके कह देते। जाके कह दे नजर मिल गई तो, बे इरादा नजर मिल गई तो, मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। बे इरादा नजर मिल गई तो, मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। कैसे संभलेगा है कैसे संभलेगा, कैसे संभलेगा इनसे मेरा दिल। हाय नादा ये क्या मांग बैठे। बे इरादा नजर मिल गई तो, मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। सिने के ये दिन है, इन दिनों तुम ये क्या मांग बैठे। कैसे संभलेगा इनसे मेरा दिल। हाय नादा ये क्या मांग बैठे। बे इरादा नजर मिल गई तो, मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे।
अब कहीं जाके नजरें मिलाना, सोलह सावन तो हो जाए पूरे, तब कहीं जाके नजरें मिलाना, है बहुत कीमती चीज ये दिन, आप हंस के ये क्या मांग बैठे, कैसे संभले मेरा दिल, हाय नादा ये क्या मांग बैठे, बे इरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। अपनी ताकत का बहुत नशा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे आदमी पे हाथ उठाने की? शौकत, एक गरीब बेवा का घर छीन कर उसमें शराब की भट्टी लगाने की जरूरत कैसे की तुमने और तुम्हारे आदमियों ने? अब तक 17 आदमियों की कर्तने तोड़ के हाथ में दे दी है, आज जब तेरी कर्तन तोड़ूंगा तुझे अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। शौकत खान, आज मैंने तेरी गर्दन तोड़ी है, अगली बार ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, समझा? चल भाग। रुखसार, आप हमारे लिए हम आपके लिए, रुखसार आप हमारे लिए हम आपके लिए, हम एक दूसरे के लिए, वाह। नहीं यार सलमान भैया, आप निहायती घटिया किस्म के शायर हो, शायरी छोड़ो अंगूर खाओ। सलमान बेटे, अब्बू एक बहुत ही जरूरी काम आन पड़ा है। अंगूर खाएंगे? नहीं बेटे आप खाओ, ये कागजात लेकर तुम्हें कल ही शहर जाना होगा। जी शहर? हाँ बेटे। अब्बू वो चाचू को भेज दीजिए ना। क्यों चाचू? नहीं सलमान, कल मुझे जमीन के मुकदमे के सिलसिले में छोटी कोतवाली जाना। अच्छा अब्बू, वो मैं क्या कह रहा था कि वो शहर जाना बहुत जरूरी है क्या? हाँ बेटे बहुत जरूरी है। अबू अगर मैं दो 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 चार दिन बाद जाऊं तो? बेटे ये आज तुम्हें हुआ क्या है? हमें हमें क्या हुआ, हमें कुछ नहीं हुआ। अबू हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे अबू? आशुमिया आशुमिया आशुमिया, क्या बात है भाईजान, आज आपकी जुबान से शहद टपक रहा है। भाई आशुमिया, थोड़ी देर के लिए हमको आपका ये दोस्त उधार चाहिए। हम समझ गए भाईजान, मामला वही मोती वाली भाभी जान का है। हाँ ये खत पहुँचाना है। चलो भाई सुल्तान, हमारे भाईजान की पोस्टमैन बनकर जाओ। सुल्तान मियाँ इसे अदब से देखे ना। हाँ जाओ। ओ
उस बेचारे ने आने में जरा सी देर क्या कर दी, तू तो इतना बेचैन क्यों हो रही है? अरे भाई मोहब्बत में भी तो तड़पना ही चाहिए, थोड़ा मचलना भी चाहिए। जितनी प्यास ज्यादा लगे पानी पीने में उतना ही ज्यादा मजा आता है। जानम हम शहर जा रहे हैं, आपके लिए कंगन और चूड़ियां लेकर आएंगे। अरे रास्ते से हटिए। अरे आप हटती क्यों नहीं है? क्या आपको ऊंचा सुनाई देता है? ओ चूड़ी कंगन वाली प्लीज हटिए। Na na na.
चला गया। लगता है डर गया। कंचन जी साले सब उम्र में बड़े ना, इसलिए छोड़ दिया। लेकिन अगर अगली बार उन्होंने ऐसी हरकत की ना, तो कसम खुदा की मैं उनकी बहन से शादी कर लूंगा। जल्दी शादी का पैगाम भिजवाइए होने वाले जीजा जी, मामला खतरे के लेवल से ऊपर आ गया है। खतरा? बाबा जानी, संभालिए अपनी इस लड़की को। अब जल, तुम्हारी कैसी ये जलील हरकत है? जलील हरकत? जलील हरकत तो आपकी इस नूरे नजर ने की है बाबा जानी। ऐसा कौन सा गुनाह किया है हमारी बेटी ने? गुनाह नहीं बाबा जानी, गुनाह अजीम कहिए, गुनाह अजीम। आखिर ऐसा क्या किया है रुखसार ने? दादी अम्मी, बेटी बोल रहे हैं? अरे मैं तुम्हारा चाचू बोल रहा हूँ। चाचू कहाँ से बोल रहे हैं? अपने मुंह से बोल रहा हूँ। अच्छा, कैसे मिजाज हैं आपके? अरे हमारे मिजाज तो ठीक हैं, लेकिन ये बता तुम्हारा ये हाल बनाया किसने? किसी दुश्मन ने बनाया या तुम खुद गड्ढे में गिर पड़े? चाचू दोनों वजह गलत है। तो फिर वजह क्या है भाई? चाचू हमारी जिंदगी में एक हसीन तूफान आया है, रुखसार। रुखसार? ये किस तूफान का नाम है भाई? ये तूफान है मोहब्बत का। मोहब्बत? ये तूफान है इश्क का। इश्क? LOVE। चाचू ये सही कह रहा है। अच्छा? चाचू अब हम सीरियस हो जाएं। अगर हमें रुखसार नहीं मिली तो हम अपनी जान दे देंगे। भाईजान तो गए काम से। चुप। अगर सलमान, ये रुखसार है कौन? चाचू रुखसार के बारे में जानकर आपका दिल दहल जाएगा, आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, इस हवेली की दीवारों में दरारें पड़ जाएंगी। लेकिन चाचू वादा करो कि आप हमारे दिलों में दरारें नहीं पड़ने देंगे। लेकिन हमें यह तो बताओ सलमान कि रुखसार है कौन और किसकी बेटी है? नदी के उस पार रहने वाले फतेह खान की बेटी। फतेह खान की बेटी, हमारे दुश्मन की बेटी? ये तुमने कैसा भयानक ख्वाब देख लिया सलमान, जिसकी कोई ताबीर नहीं। हमारे ख्वाबों की ताबीर सिर्फ रुखसार है। अगर हमें रुखसार ना मिली तो हम अपने आप को मिटा देंगे। सलमान अगर मुझे ये पहले मालूम होता तो मैं उस शौकत खान की गर्दन नहीं तोड़ता। तुम्हारी रुखसार के लिए मैं अपनी गर्दन तोड़वा लेता। तुम फिक्र न करो सलमान, मैं जाऊंगा उस फतेह खान की हवेली, जाऊंगा तेरे लिए रुखसार का हाथ मांगने। अस्सलाम वालेकुम फतेह खान साहब। मैं शेर खान का भाई जुबैर खान हूं। सुना है तुम्हारे बाजुओं में बहुत ताकत है साईं। मैं उस हादसे पर अफसोस करने आया हूं फतेह खान साहब। ना साईं ना, तुम अफसोस करने नहीं आए हो, तुम तो ये बताने आए हो कि हमारे खानदान में गर्दनें जरा कच्ची हैं। आप चाहें तो अपने बेटे शौकत की गर्दन के बदले मेरा सर कलम कर लीजिए। गर्दन ना झुकाओ साईं, गर्दन ना झुकाओ। हमने झुकी हुई डाली का फल कभी नहीं खाया। हमारे बेटे की टूटी हुई गर्दन हमारे सर कर्ज है और इस कर्ज का बहुत जल्द हिसाब होगा। फतेह खान साहब,
मैं हाथ जोड़कर झोली फैलाकर आपसे कुछ मांगने आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। कोई ऐसी चीज ना मांगना साईं कि फिर माफी मांगने के लिए हाथ ही ना रहे। मैं अपने भतीजे सलमान के लिए आपकी बेटी रुखसार का हाथ मांगने आया हूं। खामोश दुश्मन साई, खामोश, चले जाओ, गवाह हो जाओ। मैंने आपको गाली तो नहीं दी फतेह खान साहब, आप एक जवान बेटी के बाप हैं और ये रिश्ता मांगने का हक किसी को हो या ना हो, फिर भी शेर खान के घर से आए हुए पैगाम पर आपको एक बार जरूर सोच लेना चाहिए। सोचूंगा, खूब दिमाग लगाकर सोचूंगा। गुलाम खान, हमारी सात पुश्तों में घर आए मेहमान की लाश गिराने की अगर एक भी मिसाल होती तो तेरी ये गुस्ताख जबान काट कर हम शेर खां के घर पहुंचा देते। बाकी रहा तेरा ये जिस्म, इसे अब्दुल का कुत्ता खा जाता। गुलाम खान, इन्हें इज्जत के साथ ले जाओ और अपने इलाके से बाहर निकाल दो। इसे कहते हैं लोहे का दिल और फौलाद का जिगर, इसे कहते हैं खून का असली रंग। वाह बेटे, मोहब्बत भी की है तो दुश्मन की बेटी से। शाबाश बेटे, शाबाश। अब चाहे खून की नदियां बह जाएं, फतेह खान की बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिए बगैर हम दम नहीं लेंगे। रशीद खान, सुल्तान को तैयार करो। फतेह खान से मिलने हम उसकी हवेली में खुद जाएंगे। बात है शेर खान, हम जानना चाहते हैं शेर खान के बेटे का रिश्ता इस घर से क्यों ठुकराया गया। शेर खान, इस रिश्ते के बारे में सोचते हुए तेरे सीने में कलेजा फट नहीं गया? कलेजा मेरा क्यों फटे अम्मी जान? क्या तुम्हारे बेटे फतेह खान के कंधों पर दो सर हैं? क्या उसकी जमीन से तेल निकलता है? क्या उसकी जायदाद मुझसे भारी है? ना उसका नाम मुझसे बड़ा, ना ही उसकी नस्ल। और मेरा बेटा सलमान करोड़ों में एक है, तो फिर ये इनकार क्यों? बोलो, ये इनकार क्यों? शेर खान, मांगने वाले की जुबान पर इल्तजा होती है, हुक्म या धमकी नहीं। ये ना भूले अम्मी जान कि आपकी बेटी का रिश्ता मांगकर हम इस घर को इज्जत बख्शने आए हैं। बेटियां हर मांगने वाले के हवाले नहीं की जाती शेर खान, इकरार और इनकार तराजू के दोनों पलड़ों में रिश्ता तोला जाता है। ये रिश्ता शेर खान के लगते जिगर का है, इसे किसी तराजू में तोला नहीं जा सकता। शेर खान, रुखसार हमारी अमानत है, तुम्हारी नहीं। इख्तियार हमारे हक में है, तुम्हारे नहीं। और मर्जी भी हमारी होगी, तुम्हारी नहीं। इनकार हो या इकरार, तुम्हें इसमें बेइज्जती महसूस नहीं होनी चाहिए। नींद से आंख खुलते ही हमने अपने बेटे का हर ख्वाब पूरा किया है। इस रिश्ते को चाहे हमारी जिद समझो या दरख्वास्त, मगर गलती से भी इस पर नामंजूरी की मोहर ना लगाना, वरना वरना क्या? वरना लाशों के ढेर पर बारात आएगी। शेर खान, तेरा खून बहुत गर्म है तो मेरे बेटे के खून से भी चिंगारियां उठती हैं। जलने जलाने की बात ना कर, समझदारी से मिलने मिलाने की बात कर। वक्त दे थोड़ा मुझे, मैं अपने बेटे को मनाने की कोशिश करती हूँ। जा, खुदा हाफिज। अम्मी जान, खुदा हाफिज कहने से पहले एक बात जान लो, पहली बार शेर खान ने इस हवेली में खुशियों के चिराग जलाने की तमन्ना की है, कहीं ऐसा ना हो उन्हीं चिरागों से तुम अपनी हवेली में आग लगा लो। खुदा हाफिज। आया दादी अम्मी। बेटी। दादी अम्मी। ना बेटी ना। दादी अम्मी।
अम्मा साई, खबर मिली थी कि शेरखां हवेली में घुस आया है रुखसार का हाथ मांगने। हाँ बेटा फतेह, लेकिन इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? परेशानी की ही तो बात है अम्मा साई। रब ने कायनात बनाई, हम जानते हैं क्यों बनाई। तूफान नू आया, हम समझते हैं क्यों आया। मगर ये तो अनहोनी है अम्मा साई, अनहोनी। किसी की आई हम पर आ गई है। बेटा फतेह, हमें समझ भी नहीं आता कि तू हर बात को उल्टी क्यों समझता है। इसलिए कि हमारे बेटे की गर्दन तोड़ने वालों ने हमारी ही बेटी का रिश्ता मांगा है। बेटा, हम पर हाथ उठाने वाले आज हमारे सामने हाथ जोड़कर आए हैं। नहीं अम्मा साई, शौकत की गर्दन तोड़ने वाले अब हमारी नाक काटना चाहते हैं। तेरी इज्जत और अकड़ दे, कभी इन दोनों खानदानों में सुलह करने की भी सोची है? हर वक्त तेरे हाथ में तलवार और जुबान पर मीठी छुरी रहती है। अम्मा साई, ये अब्बा मरहूम के गर्म खून और आपके मीठे दूध का असर है। खून की इस गर्मी को ठंडा करके सोच फतेह, रुखसार अगर शेरखान के घर की बहू बन जाए। नहीं अम्मा साई, नहीं, आप इस बीच में मत पड़िए। हमारी मानिए तो आप फौरन हज पर चले जाइए। जवान बेटी की शादी करवाना हज से भी बड़ा सवाब है। हमने शेरखान को हाँ कर दी है कि रुखसार की शादी उसके बेटे से ही होगी। ये हमारा फैसला भी है और हुक्म भी। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती बाबा जानी, मैं सारे बारातियों की आंखें फोड़ दूंगा। अफजल, एक बात याद रखना, अब ये फैसला अम्मा साई का ही नहीं, हमारा भी है। फैसला चाहे किसी का भी हो बाबा जानी, बदल भी सकता है। जैसे तुम्हारा बाप नहीं बदल सकता ना बेटा साई, वैसे ये फैसला भी नहीं बदल सकता। बाबा जानी, अगर आप चाहें तो बारात खुद ब खुद वापस लौट सकती है। जीती रहो। बहुत बहुत मुबारक हो काका साहब। अरे भाई, तुम सबको भी मुबारक हो। सज्जन साई, ये थालों में क्या है? काका साहब, हम पांच भाइयों की तरफ से ये पांच थाल अपनी बहन रुखसार के लिए भेंट, ताकि ससुराल जाके वो हमें भूल न जाए। अच्छा, लेकिन सज्जन साई, तुम्हें तो मालूम है कि शौकत की तबीयत ठीक नहीं और अफजल इस शादी के खिलाफ है। तो क्या हुआ, रुखसार की डोली के लिए चार कहार चाहिए ना, हम तो पांच हैं काका साहब। अल्लाह सलामत रखे। आओ बैठो। आओ बल्ले बल्ले बल्ले, गुलु बुलबुल, शादाब बल्ले का आदाब। आदाब दरोगा साईं, आदाब। खान साहब, लड़की की शादी मुबारक हो वे। शुक्रिया, बैठिए। आओ बैठेंगे भी, खाएंगे पिएंगे भी। हाँ हाँ, ओ 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
जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, वो जिनके आगे पीछे जी जी, मैं उनकी साली हूँ, वो मेरे जी जाजी, वो मेरे जी जाजी, वो मेरे जी जाजी, जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, वो जिनके आगे पीछे जी जी, मैं उनकी साली हूँ, वो मेरे जी जाजी, वो मेरे जी जाजी, वो मेरे जी जाजी। बिस्मिल्लाह कीजिए मौलवी साहब, निकाह की रस्म अदा कीजिए। एक खाना खाली रह गया है, इसमें हक मेहर कितना लिख दूं जनाब? हम बताते हैं मौलवी साहब, लिखिए 50 लाख रुपया और 100 एकड़ जमीन। फतेह खान, तुम अपनी बेटी का निकाह कर रहे हो या उसे बेच रहे हो? जैसी फतेह खां की शान वैसी उसकी बेटी का मेहर। हम तो अपनी बेटी का हक मेहर सिर्फ लिखवा रहे हैं साईं। इससे ज्यादा हक मेहर और क्या हो सकता है कि तुम्हारी बेटी हमारे लगते जिगर की शरीक हयात बने। दुरुस्त फरमाया शेर खान, लेकिन हम तो अपनी बेटी की आने वाली जिंदगी की जमानत मांग रहे हैं, जो कि उसका हक है साईं। और ये उसका हक और जमानत तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। फतेह खान साहब, रिश्ते तो प्यार और एतबार की डोरियों में बांधे जाते हैं। रिश्ते बंधे या टूट जाएं, हक मेहर यही होगा साईं। अगर मंजूर है तो बोलो,
वरना बारात वापस ले जाओ। फतेह खान, एक बार आसमान से गिरी हुई बिजलियां वापस लौट सकती हैं, तूफान अपना रुख बदल सकता है, लेकिन इस शेरखान का फैसला कभी नहीं बदल सकता। आज अगर ये बारात वापस जाएगी तो तेरी बेटी को साथ लेकर जाएगी। अपने जिगर के टुकड़े की खुशी के लिए ऐसे हजारों हक़-मेहर कुर्बान है। लिखिए मौलवी साहब, लिखिए। तो क्या 50 लाख रुपए और 100 एकड़ जमीन लिख दूं जनाब? बेशक लिखिए मौलवी साहब, और ऐसी स्याही से लिखिए कि फतेह खान खुद भी चाहे तो उसे मिटा ना सके। निकाह की रस्म अदा कीजिए मौलवी साहब। सलमान खान बिनते शेर खान, आपका निकाह रुखसार खान बिनते फतेह खान के साथ तय होना करार पाया है, क्या आप कबूल करते हैं? जी हाँ, कबूल है। रुखसार खान बिनते फतेह खान, आपका निकाह शेर खान के लड़के सलमान खान के साथ तय होना करार पाया है, क्या आप कबूल करती हैं? जी हाँ। रुखसती की रस्म अदा की जाए। मेरी जान चली दुश्मन के घर, दुश्मन के घर। मेरी जान चली दुश्मन के घर, रब खैर करे, रब खैर करे। मेरी जान चली दुश्मन के घर, रब खैर करे, रब खैर करे। खुशियों से भरा हो तेरा सफर, रब खैर करे, रब खैर करे। सर पे रहे अल्लाह की मेहर, तेरे सर पे रहे अल्लाह की मेहर। रब खैर करे, रब खैर करे, तेरे सर पे रहे अल्लाह की मेहर। रब खैर खैर करे।
अल्लाह गजब हो गया, वो दिखाई का तोहफा तो जेब में रह गया। पहली पहली शादी है ना, ऐसी गलती तो हो जाती है। जी जी हाँ, हाथ दिखाइए जरा। वाह वाह, जरा दूसरा हाथ दिखाइए। ओफो, दोनों हाथ हाउसफुल। क्या मतलब? मतलब ये कि हम आपको ये हमारा छोटा सा तोहफा किस उंगली में पहनाएं। अरे वाह, ये हुई ना बात। ये आ भाई वाह। ओफो, तुम्हारे बाबा जानी ने तुम्हें इतने सारे जेवरों से लाद दिया है कि तुम दुल्हन कम और सोने की स्मगलर ज्यादा लग रही हो। उतारो ना। क्या? यही जेवर लाओ, हम उतार देते हैं। करेंगे क्या? शरारत। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जुबेर। क्या बात है भाईजान? कल की रात इस शेर खान पर कितनी भारी गुजरी है इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते जुबेर। सब खैरियत तो है भाईजान? इतना दर्द हमें कभी नहीं मिला जुबेर जितना कल रात मिला। दर्द? कैसे दर्द भाईजान? हमारे दिल में जख्मों के घर बनाता हुआ वो दर्द, हमारे कलेजे में नीजे की तरह चुभता हुआ वो दर्द, ऐसा दर्द जो एक थकान से चूर जिस्म को नींद के बिस्तर तक न ले जा सका। आखिर ऐसा कौन सा दर्द है भाईजान जिसने आपकी नींद छीन ली? बेइज्जती का दर्द जुबेर खान, बेइज्जती का दर्द जो कल रात फतेह खान ने हमें अपनी बेटी के साथ जहेज में दिया। अगर यही बात है भाईजान तो हुक्म कीजिए आप, हम उस फतेह खान का सर काट कर आपके जूतों में सजा देंगे। नहीं सुबेर नहीं, कल रात जो दर्द हमने सहा उससे कहीं ज्यादा जानलेवा दर्द अब हम फतेह खान की जिंदगी में खोल देंगे। समझ लो उसकी खुशियों की सुबह खत्म हो गई। रुखसार, तुम्हें अपनी नई जिंदगी की पहली सुबह मुबारक हो। तुम्हें भी सलमान। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान, चलो अबू बुला रहे। अब चलो। सलमान, हम तुम्हारे कैसे बाप हैं जो सूरज हथेली पर रखकर तलाश करने पर भी ना मिले। क्या तुम्हारी ऐसी कोई आरजू, ऐसी कोई खुशी है जिसे हमने आज तक पूरा ना किया हो? आपने हमारे अरमानों पर सब कुछ निछावर कर दिया, दुश्मनी को दोस्ती का लिबास पहनाकर हमें रुखसार जैसा तोहफा दिया। तुम्हारी इस खुशी के बदले अगर हम तुमसे अपने लिए कोई खुशी मांगे तो क्या तुम दे सकोगे? अबू, आप हमसे हमारी जान मांग लीजिए, हम हंसते हंसते आपको हमारी जान दे देंगे। अगर वो चीज तुम्हारी जान से भी ज्यादा अजीज हो तो? अबू, हमारी हर सांस आपकी है,
आपकी खुशी की खातिर हम तो जहर भी पी जाएंगे अब्बू। तो फिर कलामे पाक पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम सिर्फ वही करोगे जो हम कहेंगे। अब्बू ये लीजिए, हम कलामे पाक की कसम खाते हैं। मांगिए हमसे क्या चाहिए, हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। बेटे, अगर कोई फूल तुम्हें बेहद पसंद आ जाए और उस फूल के तमाम कांटे तुम्हारे अब्बू जान के सीने में सुइयों की तरह चुभो दिए जाए तो फिर तुम क्या करोगे? अब्बू, हम उस फूल का ख्याल अपने दिल से निकाल देंगे। तो निकाल दो रुखसार को इस हवेली के बाहर। अब्बू, कलामे पाक पर हाथ रखकर तूने कसम खाई है सलमान, कसम तोड़ने का ख्याल भी गुनाह अजीम है। लेकिन भाईजान, तुम भूल रहे हो जुबेर, सारी बिरादरी के सामने फतेह खान ने हमारी तौहीन की है। एक घटिया तराजू में तोला है उसने हमें, 50 लाख रुपए और 100 एकड़ जमीन के टुकड़े में तौल कर रख दिया है शेर खान के वखार को। अब हम उसे बताएंगे कि शेर खान वो हीरा है जो गले से लग जाए तो हार है और गले से उतर जाए तो तलवार है। शमशुद्दीन, तुम्हारे बाप की लगाई हुई गोली और ये लो 100 एकड़ जमीन के कागजात। अब जाकर अपने बाप से कहना कि शेर खान ने हक मेहर अदा कर दिया है। सुनो रखी, रास्ते में जहां जहां से भी गुजरती जाओ सबसे कहती जाना कि शेर खान ने हक मेहर अदा कर दिया है। बाबा जानी, रुखसार की याद आ रही है। हाँ बेटा, देख लिया बाबा जानी, मुझे इसी बात का खौफ था। उन्होंने हमारी बहन की जिंदगी उजाड़ दी है। बाबा जानी, उन्होंने हक मेहर अदा नहीं किया, उन्होंने हमारी बहन की एक रात की कीमत चुकाई है। फिर कभी ऐसी बेहुदा बात जबान से निकाली तो जबान काट कर फेंक दूंगा। बाबा जानी, आप मेरे मुंह पर चाहे जितने भी तमाचे मार लीजिए, मगर जिल्लत का जो तमाचा उन हरामजादों ने हमारे मुंह पर मारा है,
उसकी गूंज सिर्फ यही कह रही है बाबा जानी कि उस हवेली में हमारी बहन की जिंदगी नहीं बच सकती, नहीं बच सकती बाबा जानी। मगर अब शेर खान के पूरे खानदान को मैं बसाऊंगा। हक मेहर के 100 एकड़ जमीन के टुकड़े पर शेर खान की नस्ल के लिए मैं कब्रिस्तान बनाऊंगा, कब्रिस्तान बनाऊंगा। शौकत, बाबा जानी चलिए। ठहरो फते, पागल हो गए हो? खून बहाने से रिश्ते टूटते हैं, ऐसे नाजुक मोड़ पर गुस्से और जज्बात से नहीं होशो हवास से काम लेना चाहिए। अम्मी साई, आज शेर खान नहीं या हम नहीं। ठहरो, अगर जाना ही है तो अपने बुजुर्गों की इज्जत को अपने पांव तले कुचल कर जाओ। बेटी के रिश्ते कांच का खिलौना नहीं होते, जिनसे दिल बहल गया और तोड़कर घर के बाहर फेंक दिया। मेरी बच्ची ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी तुमने उसे इतनी सख्त सजा दी? सजा उसे नहीं, तुझे दी है। गुनहगार वो नहीं, तू है। अब शेर खान की हवेली के साय में आ ही गया है तो जवाब भी देता जा। मेरा दादा आसिफ खान, परदादा खुन खान और चाचा शाहरुख खान, इनमें से कौन है जिसे तू नहीं जानता? इस खानदान के बेटे की जमानत मांगने की जरूरत कैसे की तूने? बोल। हक मेहर तो हमने अपने रुखसार की हिफाजत के लिए मांगा था, अपने लिए नहीं। समझी साई, ठंडे दिमाग से अपने दिल पर हाथ रखकर सोच। क्या कोई बाप अपनी औलाद के लिए बुरा सोच सकता है? तेरी सोच में छुपी हुई खोट मैं उसी दिन समझ गया था फतेह खान। तूने सोचा कि 50 लाख रुपए और 100 एकड़ जमीन के नीचे दबकर शेर खान दफन हो जाएगा, खामोश हो जाएगा, बारात लेकर वापस लौट जाएगा। तूने मेरी जिल्लत देखनी चाहिए थी, जिल्लत। इसीलिए हक मेहर का ढोंग रचाया था तूने। बाप होने के नाते अपनी बेटी के लिए हक मेहर मांगने का हमें हक था। तेरा जो हक था हमने अदा कर दिया। अब जाकर हमारी दी हुई जमीन पर ट्रैक्टर चला, उन नोटों के तके बनाकर चैन की नींद सो जा। कभी अपनी लाडली बेटी को जमीन दिखा तो कभी उसे नोटों की गड्डियां सूंघा। उसके बाद तुझे एहसास होगा कि हक मेहर मांग कर बेटी की जिंदगी किस तरह महफूज हो जाती है। शायद तू ये भूल गया कि इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। कहीं मेरी जिद किसी जिद पर आ गई तो अपनी बेटी के रास्ते में पड़े हुए बेशुमार कांटों को तो मैं अपने दामन में समेट लूंगा, लेकिन तेरे रास्ते दहकते हुए अंगारों से भर दूंगा। इतनी बुलंद आवाज में ना बोल फतेह खान, इतनी बुलंद आवाज में ना बोल। आवाज तो तेरी एक दिन मैं नीची करूंगा। शेर की तरह गरजने वाला बिल्ली की जबान बोलेगा। तुझे फतेह खां की दहलीज पर सर झुकाकर, नाक रगड़कर मेरी बेटी फिर से मांगनी पड़ेगी। तेरी बेटी को हमने मांग भी लिया, निकाह भी किया, अपना भी लिया और छोड़ भी दिया। रही बात घर बसाने की फतेह खान, अब घर तो तभी बसेगा जब तू हमारे सामने घुटने टेक कर हाथ फैलाकर रहम की भीख मांगेगा। शेर खान हमारे दिल में छुपे नफरत के अंगारों को और हवा न दे, वरना तू इस आग में जलकर राख हो जाएगा। C
सीने में दुश्मनी के अंगारे लेकर जीने वाले को आंख से डराने की कोशिश ना कर फतेह खान, वो दिन कभी नहीं आएगा। अगर वो दिन नहीं आएगा शेर खान, तो तेरे घर की दीवारें धूप को तरस जाएंगी। फिर हम सूरज को अपने हाथ में लेकर तेरी हवेली के आंगन में रोशन कर देंगे और तुझे कहेंगे कि देख आज वो दिन निकल आया। फिर तुझे नाक रगड़ने के लिए हमारे सामने झुकना पड़ेगा। एक पहाड़ का नाम है शेर खान, और पहाड़ ना किसी के सामने चलकर जाते हैं ना किसी के सामने झुकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम उस पहाड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे, जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। फतेह खान, इस पहाड़ की जड़ की तलाश करते करते तेरी नस्लों की नस्लें खत्म हो जाएंगी।
तरस भरे होठों की कसम, वफा का चलन नहीं छोड़ेंगे हम। तेरे रस भरे होठों की कसम, वफा का चलन नहीं छोड़ेंगे हम। ख्यालों में भी ना ये सोचना कि वाकिफ नहीं तेरे दर्द से हम। जिसने किया है हमको जुदा, मिलाएगा हमको फिर वो खुदा। मैं नहीं बेवफा, मैं नहीं बेवफा। निकलती है जो भी दिल से दुआ। मैं नहीं बेवफा, मैं नहीं बेवफा। मैं नहीं बेवफा, मैं नहीं बेवफा। मैं नहीं बेवफा। खुदा के लिए दरवाजा खोलो रुखसार, रुखसार दरवाजा खोलो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो रुखसार। रुखसार नजीर खान दरवाजा खोलो। रुखसार, तुम यहाँ क्यों आए हो? हम रुखसार से मिलने आए हैं। रुखसार को अपने घर से निकाल कर तुमने ये हक खो दिया है दामाद साईं। तुमने इस हवेली में कदम रखने की जुर्रत कैसे की? अफजल भाई, हमने रुखसार से निकाह किया है। तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी बीवी, तुम्हारी शरीके हयात को तुम्हारे घर से बाहर निकाल दिया गया और तुम भुत बने तमाशा देखते रहे। क्या उस वक्त तुम रुखसार के खावन नहीं थे? उस वक्त हम मजबूर थे बाबा जानी। वो मजबूरी नहीं थी, वो हमारे खानदानों की पुरानी दुश्मनी थी और उसी दुश्मनी का तुम लोगों ने हम पर भरपूर वार किया। चल अफजल भाई। बाबा जानी, अगर हमें मालूम होता कि अब्बू जान हमारी रुखसार को घर से निकलवाने के लिए हमारा हाथ कुराने पाक पर रखवा कर हमसे कसम खिलवा रहे हैं तो बाखुदा हम अपने हाथ कटवा लेते, मगर ऐसी कसम कभी न खाते। हम जानते हैं कि हमारे अब्बू जान ने हम पर रुखसार पर बड़ी ज्यादती की है, मगर बाबा जानी, अगर आपने हक महर में इतनी बड़ी रकम न मांगी होती तो हमारे अब्बू के दिल को ठेस नहीं पहुंचती, हमारे अब्बू के दिल में इंतकाम की चिंगारियां नहीं बढ़ती। खामोश! तुम्हारे बाप शेर खान ने हमारी बहन भेजी है और उसके जवाब में हम तुम्हारी लाश भेजेंगे। रुक जाओ अफजल, रुक जाओ। ये अभी तक हमारा दामाद है, इसने रुखसार को घर से निकाला है, तलाक नहीं दी। तो बाबा जानी कह दो इससे कि अभी और इसी वक्त मेरी बहन को तलाक दे दे। अफजल खान, मुझे इतनी गंदी गाली मत दे। गाली तो तुम लोगों ने हमें दी है,
हमारी बहन को घर से निकालकर अब रुखसार के बारे में क्या सोचता है? देखे तलाक और निकल जाए यहाँ से। दादी अम्मी। बाबा जानी, हम अपनी कसम का कुफारा अदा कर देंगे, मगर रुखसार का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। रुखसार से तुम्हारा रिश्ता अब तभी जुड़ सकता है जब तुम्हारा अब्बा शेर खान हाथ जोड़कर यहाँ आएगा और अपने किए की हमसे माफी मांगेगा। बाबा जानी, अपने गुरूर को जिंदा रखने के लिए हमारी मासूम मोहब्बत पर अपनी दुश्मनी का ऐसा कोई किला मत बांधिए जिसकी बुनियाद आपको खून की नदियों पर रखनी पड़े। खुदा हाफिज़। बाबा जानी, शेर खान इस दहलीज तक आएगा नहीं और आप उसके घर में जाएंगे नहीं। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, अब वो आबाद नहीं हो सकती। बाबा जानी, आबाद नहीं हो सकती। मैं शेर खान के खानदान को तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, नेस्त नाबूद कर दूंगा। बेटा साईं, गुस्सा हमेशा दिल में रखना चाहिए। जब ये सर पर चढ़ जाता है तो बंदे का वार ओछा पड़ता है। अंजाम उनका वही होगा जो तू चाहता है, लेकिन होगा वैसे जैसे हम चाहते हैं। तेरा कुत्ता कहाँ है? रफीक, इधर। ये आपने क्या किया? जब हमारी तरह बचपन के हो जाओगे तो ऐसा बचपन का सवाल नहीं करोगे। क्या मतलब? मतलब ये बेटा साईं कि आखिर कानून भी कोई चीज है। पुलिस को यकीन दिलाने के लिए कि कुत्ता पागल हो गया था, हमने गोली चला दी। आओ। सुल्तान, तेरे आशु को अफजल खान के कुत्ते ने मार डाला। सलमान बेटे, गजब हो गया। क्या हुआ? अल्लाह। अब्बू। चाचू। क्या हुआ सलमान, क्या हुआ? आशु। ये कैसे हुआ? हम लोग बगीचे में खेल रहे थे, अचानक वहां पे एक काला कुत्ता आके आशु पे हमला कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो हम उस पहाड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। फतेह खान! अंगूर का दाना हूँ, सुई ना चुभा देना, सुई जो चुभा।
किसमिस 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 बन जाऊंगी अंगूर का दाना you
शाबाश सुल्तान, शाबाश। हम समझ गए तूने अफजल खान को खत्म कर दिया है। वाह बेटे वाह, शाबाश। अब शौकत खान और फतेह खान कल का सूरज नहीं देखेंगे। नहीं जुबेर, हमारे सीने में इतना बड़ा गम उतारने वाले को हम इतिहासान मौत नहीं देंगे। जिस तरह रेगिस्तान में प्यासा एक एक बूंद पानी के लिए तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ता है, उसी तरह फतेह खान हमारे इंतकाम से तड़प तड़प कर अपनी एक एक सांस तोड़ेगा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलालमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकियोमिद्दीन। दुआए खैर, अल्लाह मरने वाले को जन्नत बख्शे। आमीन। बहुत मुश्किल है। अल्लाह मरने वाले के वालिद को सब्र अता करे। आमीन। इन्हें सब्र कहा। हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो? नहीं फतेह खान, मैं तो ये सबूत देने आया हूं कि दो कत्लों के बाद भी हमारी रिश्तेदारी अभी टूटी नहीं। आखिर समझी हूं ना मैं तुम्हारा? समझी साईं, अपने रास्ते में पैदा होने वाले कांटों को उखाड़ कर फेंक देने का तरीका हम अच्छी तरह जानते हैं। मगर अब तुम्हारे रास्तों में बबूल जैसे कांटों के जंगलात आ गए हैं, उन्हें कैसे हटाओगे फतेह खान? हम उनमें आग लगा देंगे। आग लगाना ही है तो सबसे पहले अपने अकड़ और अपनी जिद की जड़ों को आग लगा फतेह खान, वरना दुखों के ऐसे बादल मंडराएंगे कि इस घर में आंसू के सैलाब आ जाएंगे। ये हमारी बीवी है, इनके पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। यहाँ आसपास में कोई हकीम या डॉक्टर है? अरे बेटे, हम बड़े बूढ़ों के होते हुए हकीम डॉक्टर को क्या करना है? आओ बेटी, अंदर आओ। हाँ जाओ जाओ। आओ बेटी जाओ। जा।
क्या हुआ चाची? अरे बेटे, ये दर्द तो हर नसीब वाली को होता है। मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। सच? रुखसार। सलमान बेटे, दादी अम्मी, रुखसार माँ बनने वाली है। मैंने साफ सुन लिया है सलमान बेटा, तुम दोनों को यह खुशी बहुत बहुत मुबारक हो। दादी अम्मी, हमें वापस उन हवेलियों की तरफ जाने का हुक्म मत दीजिएगा। हमने फैसला कर लिया है कि अब हम हमारी जिंदगी कहीं दूर जाके बसाएंगे, जहां ना फतेह खान साहब की इज्जत होगी ना शेर खान साहब का घमंड। पहले ही बहुत खून बह चुका है बेटे, तुम लोगों के इस फैसले से भी खून की बारिश ही होगी। तो फिर आप ही बताइए ना दादी अम्मी, उस नफरत भरी दुनिया में जाकर कैसे जिएंगे हम? कैसे जिएगी हमारी औलाद? क्या वो भी हवा में उछलता हुआ खून देखती रहेंगी? नहीं बेटे, नहीं। तुम्हारी औलाद तो इन दो खून के प्यासे खानदानों के बीच अमन की बुनियाद डालेगी। मेरा यकीन करो बेटा, मेरा यकीन करो। जाओ अपने अब्बू जान से जाकर कहो कि रुखसार मां बनने वाली है। देखना वो खुशी से फूला नहीं समाएगा, और खुशी खुशी रुखसार को ले जाने के लिए हमारी हवेली पे आ जाएगा। ये क्या कह रहे हो तुम? हम अपने दुश्मन के दहेज पर कदम रखेंगे? नहीं सलमान बेटे, कभी नहीं। चाहे आसमान टूट पड़े, चाहे जमीन फट जाए, हम तो क्या, हमारी जूती भी रुखसार को लेने उनकी हवेली कभी नहीं जाएगी, किसी कीमत पर भी नहीं। हां एक बात तय है, मजबूर होकर फतेह खान अपने बेटे को लेकर हमारी दहलीज पर जरूर आएगा। अब्बू, क्या हमारे वही अब्बू जान है जिनके सामने होठ हिलाते ही हमारे मन की मुरादें पूरी हो जाया करती थी? नहीं, आप हमारे वो अब्बू जान नहीं है। नहीं बेटे, हम आज भी तुम्हारे वही अब्बू जान हैं। तुम चाहो तो हमारे सीने में दौड़ते हुए दिल की धड़कने ले लो, मगर फतेह खान से ली हुई दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का ख्याल हमसे न मांगो, क्योंकि ये सवाल हमारी आन का है, और आन के सामने जान की कीमत कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अब वो सलमान, सारी कायनात में हमारा एक ही दुश्मन है, और उस दुश्मन का नाम है फतेह खान। रुखसार के साथ हम फतेह खान को अपनी दहलीज पर गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहते हैं, मजबूर, लाचार, बेबस, बेजान पत्थर की तरह, शिकस्त खाए हुए सिपाही की तरह गिड़गिड़ाते हुए हम उसे देखना चाहते हैं। अब्बू, ऐसा कभी नहीं होगा, वो यहां कभी नहीं आएंगे। जरूर आएगा वो, अपनी टूटी हुई किस्मत को जोड़ने, चोली फैलाकर हमारे दहलीज पर रहम की भीख मांगने जरूर आएगा। सिर्फ एक बार देखना तुम, तेरी औलाद की आवाज जब उसके कानों में गूंजेगी, उसके बाद देखना क्या होता है, देखना। मुबारक हो, आप नाना बन गए। रुखसार ने इस खानदान को चांद सा बेटा दिया है। चांद नहीं, हमारे दिल पर जलता हुआ एक दाग है ये, एक दाग। बेटा फतेह, चल बच्चे के कान में अजान दे, रुखसार की यही ख्वाहिश है। फतेह बेटा, माँ कोई भी हो, उसके बच्चे से नफरत करने वाले को वो अपना दुश्मन समझती है। क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं अम्मा साईं कि वो दौर कितना सुनहरा था, जब बेटियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। छोड़ ये बातें, चल चल आ मेरे साथ आ।
आ बेटा, बच्चे के कान में अजान दे। जा बेटा। हम आजान नहीं देंगे, हम आजान नहीं देंगे, हम आजान नहीं देंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो अब्बू जान। क्यों बेटे, फतेह खान के घर में किसी की मैयत हो गई है क्या? क्योंकि हमारी इस हवेली में जश्न तो सिर्फ दुश्मनों के मातम पर ही मनाया जाता है। नहीं अब्बू जान, अब्बू जान आज आप दिल में बसी हर बात को भूलकर अपना मुंह मीठा कर लें, क्योंकि अब्बू जान आज आप दादा जान बन गए हैं। तब तो आज हम फतेह खान का मुंह मीठा करने जाएंगे। इसी मिठास भरे दिन का हमें बहुत दिनों से इंतजार था, बहुत दिनों से। रुखसार, तेरे ससुर शेरखान तुझे लेने आए हैं। सच कंचन? हाँ। समझे साईं, डूब गया ना तुम्हारी जिद और अकड़ का सूरज, आ गए ना हमारे दरवाजे पर अपनी नाक रगड़ने। नाक रगड़ने नहीं फतेह खान, अपनी नस्ल का नया चांद देखने आए हो। ले शेरखान, देख ले अपने ये नस्ल के चांद को, प्यार कर ले। नहीं अम्मा साईं, रुक जाइए। समझी साईं, इसे छूने की, इसे ले जाने की तुम्हें कीमत अदा करनी होगी, नाक रगड़नी पड़ेगी, झोली फैलाकर बच्चे और हमारे रुखसार को यहाँ से ले जाने की भीख मांगनी पड़ेगी, भीख। गलत फहमी हो गई तुम्हें फतेह खान, मैं यहाँ किसी को ले जाने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाने के लिए आया हूँ कि आज के बाद इस हवेली की छत के नीचे तुम्हें दो दुख सहने होंगे, एक तुम्हारी बेटी का पुराना दुख और दूसरा इस नवासे का नया दुख। ये लो समधी साईं, लड्डू खाओ लड्डू। तेरा लड्डू तो मैं नहीं खाऊंगा दुश्मन साईं, लेकिन तुझे बहुत जल्द जहर खिलाऊंगा, जहर। उस वक्त का इंतजार कर। वक्त की सुई तो इस बच्चे ने रोक ली है, अब तुम भी अपनी जिद की सुई को रोक लो फतेह खान, और मेरी बात मान लो, इस शगुन को रुखसार की झोली में डाल दो और रुखसार और बच्चे को लेकर मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारी भी इज्जत रह जाएगी और इस हवेली की भी। निकल जाओ! सलमान, चाचू रो मत सलमान, भाईजान के होते हुए रुखसार इस हवेली में आ नहीं सकती, तुम रुखसार के बिना रह नहीं सकते, और हम तुम्हारी आंखों में आंसू देख नहीं सकते। चाचू हम क्या करें, उधर वो जिद पर अड़े ये रब्बू, इसमें रुखसार का क्या कसूर, उसे क्यों सजा दी जा रही है? आंसू पोंछ डालो सलमान, तुम्हारी रुखसार को हम लाएंगे। क्या, क्या ये मुमकिन है चाचू? हाँ सलमान, हम फतेह खान के कदमों में झुककर तुम्हारी रुखसार के लिए भीख मांगेंगे, मगर सलमान तुम्हें अपनी दुनिया अलग बसानी पड़ेगी, जहां ना भाईजान होंगे और ना ही फतेह खान, सरहद पर तुम हमारा इंतजार करना, हम तुम्हारी रुखसार को लेकर वहीं आएंगे।
अरे खान भाई, हमारा मदद तो करो, जरा ये पत्थर हटाना है। मुझे माफ कर दो सलमान, मैंने जो तुमसे वादा किया था उसे मैं निभा नहीं सका। कमबख्त ये जिंदगी हमें धोखा दे गई। ऐसा मत कहिए चाचू, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। सलमान चाचू, हम अल्लाह की बारगाह में जाकर उससे तुम्हारे और रुखसार का हमेशा हमेशा का साथ मांगेंगे। सलमान चाचू, चाचू सलमान चाचू, खुदा हाफिज सलमान चाचू। नहीं 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 चाचू, चाचू Ah!
और कितना खून मांगेगी, किस किस की जिंदगी मांगेगी अब। चाचू जुबैर की मौत पर भी आपके चेहरे पर सिर्फ इंतकाम है, आंख में आंसू नहीं। जो खून पीना जानते हैं वो आंसू भी पी जाते हैं बेटे। अबू अपने जिद के बढ़ते हुए कदमों को रोक भी लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस हवेली में अकेले रह जाएं। शेर जंगल में अकेला, शेर खान इस हवेली में अकेला, क्या फर्क पड़ता है। हम जानते हैं अबू, हम जानते हैं। जानते तो हम भी हैं कि तुम क्या चाहते हो, रुखसार की वापसी चाहते हो तुम, और हम उसके बाप की मौत चाहते हैं, मौत। अपने गुरूर की आखरत देख फतेह, एक एक करके इस हवेली के सारे जानशीन मर गए। तू अपनी आखिरी सांस तक शेर खान का सर नीचा करने की जिद कर ले, मगर ये तेरी जिद कभी पूरी नहीं होगी। तेरी हक महर की जिद ने रुखसार का घर बसने नहीं दिया, अब तो अपनी जिद के जुनून से बाहर आ फते, अब ये सोचकर तोड़ दे अपनी जिद का तराजू कि अपनी नस्ल का नाम आगे बढ़ाने के लिए तू खुद शेर खान के पोते का मोहताज है। अच्छा किया अम्मा साई, बहुत अच्छा किया, जिद के तराजू को झुकाने का वजन बतला दिया। अब मैं शेर खां के पोते के टुकड़े टुकड़े करके उसे जिद के तराजू में डाल दूंगा। शेर खां झुक भी जाएगा और टूट भी जाएगा। फतेह खान! वो तेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा है। फतेह खान, ये तुमने हमें कहा बेटा साईं? हाँ फतेह खान, तुझे कहा, क्योंकि अब तो मेरा बाप नहीं रहा। बाप बनकर बेटी के बारे में सोचना तेरे बस का नहीं रहा। हक मेर के बहाने मेरी बोली लगाकर तूने मेरी बारात लौटानी चाही, मैं चुप रही, मुझे हवेली से निकाल दिया गया,
मैंने कुछ नहीं कहा। अपने भाइयों के जाते हुए जनाजे देखे, मैं बर्दाश्त करती रही, दुख पीती गई, सुख भूलती गई। मगर सुन ले फतेह खान, मैं अपनी औलाद को तेरे जिद की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। तूने इसके कत्ल के बारे में सोचकर आज बाप बेटी के रिश्ते को ही खत्म कर दिया। आज ये दुश्मनों की हो गई है। इसने बाबा जानी को फतेह खान बना दिया। आज हमें तू कहकर पुकारा। इस बच्चे ने बाप बेटी के प्यार में नफरत का जहर फूंक दिया है। हम इस बच्चे को, सपोले को ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस सपोले को ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं बेटे, नहीं। अम्मा साईं, जिस तरह हमारी बेटी ने हमें अपनी मोहब्बत की जन्नत से निकाल दिया है, उसी तरह आज आप अपनी ममता की जन्नत से दूर रखिए। अम्मा साईं, हट जाइए। नहीं बेटे, बेटा मत। रुखसार, वो घर छोड़कर चली गई है। काका साहब, जब तक आप बाप थे वो इस घर में रही, पर अब आप बाप नहीं रहे, ये घर उसका नहीं रहा। सरवर खान, सरवर खान। जी हुजूर। रुखसार बच्चे के साथ भाग गई है, उसका पीछा करो और जहां मिले उससे बच्चा छीन कर जिंदा दफन कर दो और रुखसार को वापस ले आओ। जाओ। अल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना, अल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना, परवरदिगारे आलम बेकस पे रहम करना, बेकस पे रहम करना, बेकस पे रहम करना, बेकस पे रहम करना, अल्लाह करम। अल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना, परवरदिगारे आलम बेकस पे रहम करना, बेकस पे रहम करना, अल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना। खलील को तो कुछ गरीब
बेकस पे रहम करना, बेकस पे रहम करना, बेकस पे रहम करना, अल्लाह करम करना, अल्लाह करम राम सिंह भजन सिंह मेरा बच्चा मेरा बेटा हमारे रास्ते से हट जाओ ठाकुर और बच्चा वापस दे दो उसे हमें जिंदा दफनाना है फतेह खान साहब के हुक्म के आड़े मत आओ ठाकुर ऐसा हुक्म फतेह खान तो क्या अगर हमारा भगवान भी दे दे तो हम उसके भी हुक्म के आड़े आ जाएंगे रुखसार हम राजपूत भाइयों की बहन है हमारी बहन और उसकी औलाद की रक्षा के लिए हम तुम्हारी जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं इससे पहले कि हम तुम्हारे खून से होली खेलें निकल जाओ यहाँ से फतेह खान साहब का हुक्म हम अपनी जान देकर भी पूरा करेंगे से कह दे कि रुखसार हमारी बहन है और हमारे होते उसका और उसके बच्चे का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता जा सज्जन साई लाओ ये बच्चा हमें दे दो इस बच्चे तक पहुंचने के लिए आपको हम पांचों भाइयों की लाशों से गुजरना होगा सज्जन साई दुश्मन की औलाद को मौत तक पहुंचाने के लिए आज मैं लाशों के समंदर से भी गुजर जाऊंगा इसकी मौत मेरे दुश्मन के दिल का सबसे गहरा जख्म होगा दुश्मन से पहले इस माँ के दिल पे लगने वाले जख्म के बारे में सोचो काका साहब इस वक्त मुझे अपने इंतकाम की मंजिल तक पहुँचने के सिवाय और कुछ नहीं सोचना सज्जन साईं इतने खुदगर्ज़ न बनो काका साहब कि हम पांचों भाई आपके दुश्मन बन जाएं लाओ इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हें भी गोलियों से छलनी कर दूंगा काका साहब माँ की गोद से छीन कर शायद आप इस बच्चे को खत्म भी कर देते अगर हम इसके पांच मामा हैं और पांच मामा में दस माँ हैं जिस बच्चे के सर पर दस माओं का साया हो उसे मौत का साया छू भी नहीं सकता हट जाओ सामने से ये हमारा खानदानी मामला है खानदानी मामले दरवाजे बंद करके सुलझाए जाते हैं मैदान में आ जाएं, तो फैसले लोगों के हाथों में आ जाते हैं फतेह खान की जिद के आरे ना आओ बच्चा मेरे हवाले कर दो अगर आप रुखसार के बाप हैं इस बच्चे के नाना हैं तो लगाइए इन्हें अपने सीने से और अगर दुश्मन है तो उठाइए बंदूक और चलाइए गोली सज्जन साईं ऐसा ना हो कि आप बेटी को भूल जाएं और हम बेटी के बाप को कसम खुदा की अगर तुम्हारी जगह इसके सगे भाई भी होते तो हम उनका भी खात्मा कर देते शेर खान फतेह खान गोली तो हम तुम्हारे सीने पर भी दाग सकते थे लेकिन अगर हमने तुम्हें मार दिया होता तो रुखसार का घर बसाने के लिए हमारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगने कौन आता शेर खान सोचा था कि तेरे पोते को मार कर दादा को भी खत्म कर दूंगा लेकिन लगता है कि आज तुम दोनों को एक ही कब्र में दफनाना फतेह खान का मुकद्दर बन गया है जिद की ये जंग सिर्फ तेरे और मेरे बीच है फतेह खान हिम्मत है तो उठा तलवार शेर खान साहब बंदूकों और तलवारों से सिर्फ इंसानों का खून बहता है फैसले नहीं होते नहीं ठाकुर फतेह खान की जिद का फैसला सिर्फ बंदूकें और तलवारें ही कर सकती है
नहीं अबू नहीं। हट जाओ सलमान, हट जाओ। अबू कितनी खून की नदियां बह गई मगर आपकी इज्जत की प्यास नहीं बुझी। हमारी इज्जत की प्यास सिर्फ फतेह खान के खून से बुझेगी। हट जाओ सलमान। नहीं अबू, इससे पहले कि आपकी तलवार इनके जिस्म को छुए आपको हमारी गर्दन काटनी पड़ेगी। मेरा बेटा होकर मेरे दुश्मन की हिमायत करता है, मेरे और मेरे दुश्मन के बीच अगर तू भी आ गया तो मैं तेरी भी गर्दन काट डालूंगा। नहीं, अगर आप दोनों की इज्जत की प्यास सिर्फ खून से ही बुझ सकती है तो लीजिए आप दोनों का खून जो इसके जिस्म में दौड़ रहा है, इसके दो हिस्से करके आधा मैं इसके दादा को दे देती हूँ और आधा नाना को। रुखसार! या अल्लाह! सलमान बेटे, हमारे लाडले और रुखसार को लेकर घर चलो।